इस शेड्यूल में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हम प्रोफाइल्स की मदद से ड्राइंग्स बनाते हैं और ऑपरेशंस की मदद से उनको मॉडिफाई करते हैं या उनके अंदर लिमिटेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। नाउ अब बारी है किस तरह से हम उनको डायमेंशंस के अंदर कंट्रोल करते हैं। नाउ अब क्योंकि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो आप जितनी भी स्केचेस बनाते हैं इसके अंदर वो सारी की सारी स्केचेस एक रफ स्केचेस होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां से पिक करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है, ये एक प्रोफाइल टूल से मैंने बनाया है। नाउ ऑपरेशंस लेके मैं यहां पर इसको फिलेट्स क्रिएट कर देता हूं। नाउ जब मैंने फिलेट क्रिएट किया तो यहां पर अगर आप देखें तो इसने यहां पे डायमेंशन मेंशन करी है और यहां पे एक वर्टिकल साइन है, हॉरिजॉन्टल साइन है और यहां पे ये साइन शो कर रहा है टेंजेंसी का। इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर स्केच को बांध रहा है। अगर आप दोबारा मैं इस रेक्टेंगल को बनाता हूं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, बेसिकली दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप यहां देखें तो दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल। अगर मैं इसको यहां से ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स अगर मैं इन दोनों को यहां से बंद कर देता हूं तो अगर मैं अब एक रेक्टेंगल लेता हूं तो अगर आप यहां देखें तो इस समय ना तो ये मेंशन कर रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। और अब मैं एक आर्क लेता हूं और मैं यहां से आर्क मेंशन करता हूं और ना ही ये इस समय डायमेंशनल कंस्ट्रेंट को मेंशन कर रहा है। तो ये जो है जो इस ज्योमेट्री को होल्ड कर रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये टेंजेंसीज के साइन, इन साइंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। कि ज्योमेट्री की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। और जब आप पर्टिकुलर चीज को मैं यहां मॉडिफाई कर रहा हूं तो इसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट आया दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो यहां पर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स आए हैं ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स आए हैं। अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी आपको डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप ये ध्यान रखिए यहां पर भी ये ऑन हो और यहां पर भी ये ऑन हो ताकि आप आसानी से कंस्ट्रेंट्स को ले सकें। नाउ अगर मुझे इस ड्राइंग को फिलहाल डिफाइन करना है डायमेंशंस के अंदर तो मुझे यहाँ पे जो चीज बताने की रिक्वायरमेंट है वो इस कंपैरेटिवली इस ड्राइंग से काफी कम है, क्योंकि मुझे इस ड्राइंग में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको डायमेंशंस देनी है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है। क्योंकि किसी भी चीज को डायमेंशन करने के लिए तो किसी भी चीज को कंस्ट्रेंट करने के लिए आपको पहले उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को लगाना जरूरी है और उसके बाद उसके डायमेंशन कंस्ट्रेंट्स को। क्योंकि इस ड्राइंग के अंदर ना ही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लगे हैं और ना ही डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगे हैं तो इसको मुझे पर्टिकुलरली कंस्ट्रेंट करने में ज्यादा दिक्कत होगी एज कंपेरेटिव विद दिस। तो आप लोग ये ध्यान रखें जब भी आप स्केच बनाएं तो ये दो ऑप्शंस आपकी एक्टिवेटेड हो ताकि आपके पास ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट आ सके। नाउ अगर हम बात करें आगे कि किसी भी चीज को आप डायमेंशंस में और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स कैसे दे सकते हैं तो हमारे पास यहां पर टूल है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट टूल बार। और अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रेंट में भी यहां पे काफी सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इनको डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। नाउ इफ यू सी, अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फिलहाल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स देने हैं तो मैं यहां पर इसको पिक कर रहा हूं। जैसे मैंने इस लाइन को पिक किया तो आप अगर आप यहां देखें तो ये एक पहले यहां पे ये बॉक्स डीएक्टिवेटेड था, मैंने जैसे इसको पिक किया ये मुझे बता रहा है ये एक्टिवेट हो गया है। अब मैं फिलहाल इस ड्रॉइंग को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये जो लाइन है दिस इज अ वर्टिकल लाइन, जो पॉसिबल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आई मेंशन दिस लाइन इज वर्टिकल। नाउ आई वांट टू गिव कंस्ट्रेंट टू दिस लाइन आल्सो, आई पिक दिस, दोनों आप कंट्रोल प्रेस करके पिक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि दोनों जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आप देखिए नाउ आप ड्रॉइंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहां पर जो है दिस लाइन इज वर्टिकल, आप इसको पिक कीजिए, यहां से ओके किया, पिक किया, नाउ दिस लाइन इज वर्टिकल। सो दिस इज हाउ आई हैव गिवन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। अगर मुझे ये मेंशन करना है कि ये जो आर्क है ये इसके साथ टेंजेंशियल है तो आप इसको पिक कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके आप इसको पिक कीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर चीज हो सकती है वो एक टेंजेंसी है। तो अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मेंशन ये दिखा रहा है कि इनके बीच में ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई एम गिव इट टेंजेंसी, ओके। नाउ इसी चीज को आप कहीं और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से पिक कर रहा हूं, मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, यहां पे इसको पिक किया, नाउ यूजिंग टेंजेंसी आई एम गिवन। तो इस तरह से मैंने इसको सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स देनी है। अब मुझे इसको डायमेंशन
ये जो कंस्ट्रेंट थे दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, जो आपकी अगर ये बटन ऑन है तो ऑटोमेटिकली आएंगे, अगर नहीं ऑन है तो आपको ये देने पड़ेंगे। तो आपको किसी भी स्केच को कंस्ट्रेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देने की आवश्यकता होती है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर स्केच को कंस्ट्रेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स।